दिस वीडियो इज अबाउट रिलेशन बिटवीन करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है करंट आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है दिस इज अ कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन एंड इसकी जो लेंथ है उसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एल से और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जो कि हमें वी वोल्ट सप्लाई कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने दिया दैट इज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो दिस एंड इज़ पॉजिटिव एंड दिस एंड इज़ नेगेटिव इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने पे पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मैं ड्रिफ्ट वर्ड यूज कर रही हूँ मान लेते हैं एन हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इस पूरे कंडक्टर के अंदर इसके वॉल्यूम के हिसाब से और ई हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन सो वी नो दैट कि टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर दैट इज एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन And Q is equals to N multiply NE, that is equals to. मैंने यहाँ पे इस एन को कैपिटल एन से इस एन को कैपिटल एन से रिप्लेस कर दिया क्यों क्योंकि कैपिटल एन है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल और मैंने यहाँ पे एन से इसीलिए रिप्लेस कर दिया कि एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर तो एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन है ए जो और लेंथ है इसकी ए एल तो जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने होंगे तो मतलब एन ई एल और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी तो हर एक इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा पॉजिटिव एंड की तरफ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी तो हमने जो पहले एक रिलेशन पढ़ा है रिलैक्सेशन टाइम से कि रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन में वी डी वेयर टी इज रिलैक्स टी इज द टाइम एल इज़ द एल इज़ द डिस्टेंस एंड वी डी इज द वेलॉसिटी तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपोन में टाइम तो चार्ज हमारे पास आ गया एन ई ए एल और टाइम का फॉर्मूला आ गया यहाँ से एल मल्टीप्लाई बाय वी डी अपॉन में जाएगा मैंने रेसी कर दिया एल से एल कैंसिल आउट तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ गई एन ई ए एंड वी डी वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ए इज द एरिया ऑफ सेक्शन एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यहाँ से करंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ स्मॉल even though bulb glow as soon as we switch on this is due to presence of large number of free electrons inside the conductor so this is the relation between current and drift velocity